चलो तो दोस्तों आज मैं आपको लेके आ गया हूँ माँ ज्वालामुखी के दरबार में। तो चलिए आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। हम सब लोग काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, काफ़ी 40-50 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए जो ज्योति है माँ की, अखंड ज्योति है जो है। ये देखिए ये ज्योति जो है वो ज्वालामुखी ऑल टाइम जलती रहती है। ये देखिए, और ये हमारे मामा जी देखिए सुंदर दर्शन करते हुए आ गए हम, और मेरे दादा भी साथ में हैं। देखिए ये दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, देखिए दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जय, ये हमारे दादाजी दर्शन करते हुए। ये बजरंगबली बाबा हैं, देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये हमारे दादाजी और बहुत से भक्तगण देखिए आए हुए हैं दर्शन के लिए माँ ज्वाला के। और ये देखिए बहुत से भक्तगण आए हुए हैं। वोट करा ले भाई, लियो ये हमारे मामा जी हैं जो दर्शन कर चुके हैं, और ये हमारे मामा जी हैं। दोस्तों ले चलते हैं आपको एक मंदिर और दर्शन कराते हैं सभी लोगों को। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए कई भक्तगण बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए कितनी सुंदर नज़ारा। और ये अभी थोड़ा सा गेट बंद हुआ है और कई भक्तगण बैठे हुए हैं यहाँ पे सिद्धि मंदिर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे, भक्तगण बैठे हुए हैं। देखिए तालाब कितना सुंदर सा। ये देखिए कितना सुंदर मंदिर का नज़ारा है। ये कितना सुंदर भाई, भक्तगण बैठे हुए हैं, दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए कितनी सुंदर नज़ारा है माँ के दरबार का। देखिए संतोषी माता का मंदिर है ये, देखिए
बहुत से श्रद्धालु भक्त बैठे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, बहुत दूर चढ़ के आए हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है मंदिर के जस्ट बगल में ही, लेकिन अभी इस समय बारिश के मौसम में थोड़ा गंदा है, लेकिन फिर भी काफ़ी सुंदर। और ये कितना हरा बड़ा प्यारा।